अपनी आने बाय ये लग गई है टैल सारे पे। लगा लो मास्क, मास्क तो लगा लो। सुबह को जा रहे ठंड है ना, मास्क नहीं लगा रही। बच्चे को भी लगाओ, आंखों पर लगा ले, मुंह पे मास्क लगाओ। कुर्बान के अपना यहाँ बैठा है, और मम्मी के साथ और चलता नहीं। मोटरसाइकिल भी इसकी मम्मी चलावेगी। मोटरसाइकिल भी तो इसकी मम्मी चलावेगी। चलोगे मोटरसाइकिल? आ जा मेरे साथ। चल बाय बाय हो रही, बाय बाय हो रही। माँ देख चिप कर ली, भगा दे। चल लोगों, भगा। आ जा हाँ बैठ माँ, आ जा मम्मी के साथ, मम्मी के साथ, मम्मी माँ माँ, मम्मी क्या बाय बाय बाय। अब नहीं हो रही, अब तो इसमें पकड़ लें। बाय टाटा, अब जाओ गर्मी में आते हो रहते। गैल धर दिया टो, एक टोकरा भर रहा। देख देख जी रही है ना, देख देख जी ये मैं एक दशहरी का भी तो था वहाँ, लंबी लंबी आकर कुछ इस पर नहीं आ रही थी। ट्वेल पता हो वहाँ जहाँ नींबू के वे रहे थे, बेच ले सब टोकरा, टोकरा सिर पर रख कर हर मोहल्ले में गुली कट जा बेचन। आम ले लो, आम बेच, सबको खिला दो। जो जो वीडियो देखे हैं, जो जो वीडियो देख के ना वो खा लो सब, ताजे ताजे। टैल मेरी रोटी जलेगी, सेक दिए एक बार। टैल लग गई है पूरी इस पर। हेलो जी, मम्मी बना रही है आम का जूस बच्चों के लिए, अभी बना के रख देंगे। मम्मी तो पिएगी नहीं क्योंकि मम्मी को नुकसान देता है, बस बच्चों के लिए बना रही हैं। उनमें थोड़े से आम पके हुए निकले, कुछ अभी नहीं पके हैं वो रख दिया उठा के, और जो पके हुए निकले हैं उनका जूस बना लेंगे, बच्चे पी लेंगे तीसरे पैर को। और अभी मम्मी इनको छील के काट के मिक्सी में घुमा के फिर इनको रख देंगे फ्रिज में। अभी
पीते हैं माजा, माजा ना देना क्या पी रही। हम अपने घर बनाई हुई माजा पीते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर, बच्चे खेल रहे हैं ऊपर, रेलिंग नहीं है, डर लगता है, तो अभी मैं उनको नीचे बुला के ला रही हूँ। वैसे तो वो इधर खेल रहे हैं जिधर रेलिंग है, पर फिर भी डर लगता है, बच्चों का कुछ नहीं पता कहाँ चले जाएं। तो अभी उनको नीचे बुला के ले के जाऊँगी। और यहाँ पे हमारे सरसों के लड़के रखे हुए हैं, इनको देख के मेरा मन होता है कि ले कर चलूँ। और स्टोर रूम का सामान हमारा सारा यहीं पर है, जो टूटा फूटा है वो भी यहीं पर पड़ा हुआ है, जब कोई आएगा कबाड़ी वाला तो उसको दे देंगे। पर आप सब ने मना कर दिया कि घर से दीदी झाड़ू नहीं लेके जाते, तो इस वजह से मैं नहीं लेके जाऊंगी। और अभी ये टाइल्स साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कल फिर यहाँ पे वाश बेसन लगेगी, इसको साफ़ करके छोड़ देंगे। इसमें सीमेंट हो रहा है, वो सारा निकल जाएगा, नहीं तो फिर इनके अंदर ही रह जाएगा अगर इसको नहीं छुटाएँगे। सारा सीमेंट निकाल लें हैं, पहले तो मेरा भाई लगा हुआ था, फिर मैं लग गई कि मैं कर देती हूँ। अक्की ने भी किया है थोड़ा सा, और अभी ये साफ़ हो जाएगा, कल वाश बेसन लग जाएगी यहाँ पर और अच्छा लगेगा। अभी तो खाली खाली सा लग रहा है, उसके लगते ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर ये वीडियो मैंने शुरू की है अगले दिन मॉर्निंग से। अभी मैं कपड़ों को प्रेस कर रही थी, नए कपड़े भी थे मम्मी और पापा जी के, भाई के इनके, तो मम्मी से प्रेस नहीं हो पाती, और काम तो कर लेती हैं मम्मी, अभी और काम में लगी हुई है, और मुझे प्रेस करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी और मम्मी से कपड़ों को प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज गर्मी नहीं है इतनी, हवा चल रही है अच्छी खासी, और पहले मैं ये पर्दा हटा लूँ, बार बार आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे कल भी बात नहीं की थी, कर ही नहीं पाई, गर्मी में मन ही नहीं करता, कुछ वेशभूषा ऐसी रहती है और कुछ ऐसी हालत रहती है गर्मी में, और अपने घर आके तो पता नहीं कैसे हो जाते हैं, कैमरे के सामने चेहरा भी करती हूँ तो अजीब सा लगता है खुद को ही। तो फ्रेंड्स, आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट भी करते हो अच्छे अच्छे, और काफ़ी दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने उसके बारे में बताइए, यूट्यूब पे कैसे आए, और वैसे भी फिर मैं चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलिए घर जाके तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, यहीं पे ही आप सबसे बात कर लेते हैं उस बारे में, तो उस बारे में यहीं पे आप सबसे बात भी हो जाएगी और टाइम भी है काफ़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम तो यहाँ पर मुझे रहता नहीं। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सारा काम आप ही करती हैं यहाँ पर, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी भी अकेली है, उनके साथ में थोड़ी बहुत हेल्प तो करानी होती है। वैसे आज मम्मी ने बनाया दोपहर का खाना भी, और ये वीडियो का एंड भी मैं आज अगले दिन ही कर रही हूँ, क्योंकि कल भी टाइम नहीं मिला था मुझे, टाइम क्या नहीं मिला था, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पंखा चलाते हैं तो आवाज़ नहीं जा पाती, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप सबसे बात करने का भी, तो इतनी गर्मी में कमरे में जाने को मन नहीं करता, और बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, कूलर चलता रहता है हर वक्त, तो मैं कल वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, और थोड़ी सी बातें आप सबसे अभी कर लूँगी इस बारे में कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई। तो देखिए, मैं पहली बार जब दिल्ली गई थी तो प्रिया दीदी वीडियो बनाती थी, वो अपना व्लॉग बनाती थी, और मुझे भी वहीं से कुछ वो लग गई थी कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं जैसे कि ये करती हैं। और पहले तो मुझे अजीब लगता था कि पता नहीं ये क्या है, जो सारा घर का काम भी दिखाते हैं और सब कुछ बातें शेयर करते हैं सबके साथ में, ये क्या है, मुझे पहले समझ नहीं आता था। पर जब मैंने धीरे धीरे उन्हें देखा करते हुए, तो मेरा मन हुआ कि मैं भी चैनल बनाऊं, उन्हीं से ही मैंने, उनको देख के ही मुझ में हिम्मत सी जगी, ये सब मैं तभी से सोच रही थी करने का। फिर मैं घर आई, घर मैंने अपना खुद का चैनल बनाया, एक दो वीडियो डाली हिचकिचाते हुए, मुझे शुरू शुरू में बहुत हिचकिचाहट होती थी कैमरे के सामने आने में, पर धीरे धीरे आदत हो गई, और अब तो आप सबसे मैं अच्छे से बात भी कर लेती हूँ, और अपना जो है रूटीन भी शेयर कर लेती हूँ, और सब में कुछ थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट होने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि अभी भी मुझ में थोड़ा बहुत वो है, चेंज करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे हो जाएगी अगर आप सब सपोर्ट करेंगे। और मैं पहले ये सोचा करती थी कि मुझसे सिलाई भी नहीं आती ना ही कढ़ाई आती, तो कोई ऐसा काम हो जो मैं घर पर बैठ के कर सकूँ,
और अपने बच्चों को भी देख सकूँ, परिवार को भी संभाल सकूँ, कोई ऐसा काम मिले मुझे। फिर मैंने उनको ये सब करते हुए देखा तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता, घर बैठे बैठे अपने बच्चों का भी ध्यान रखो और परिवार का भी। वैसे ये सब करना भी आसान नहीं है, बहुत कुछ होता है जो हमें सुनने को मिलता है, ये सब भी आसान नहीं होता ये सफ़र। पर फिर भी अगर हम किसी काम को ठान ले तो उसको करने में कोई बुराई नहीं। पहले मैं सोचती थी कि मैं ऐसे ही रहूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसे ही सोचती रहूँगी कि मैं अगर इतना पढ़ लेती तो ये सब कर पाती। पर चलिए, जहाँ जितना भी पढ़ी हूँ ये भी काफ़ी है मुझे, और आप सबके सपोर्ट की वजह से आज मेरी वीडियो को आप सब लाइक भी करते हो और पसंद भी करते हो, थैंक यू सो मच। बाकी बातें जो कुछ रह गई हैं तो मैं आपसे और दिन तसल्ली से करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप सब बोर भी हो जाएंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको वीडियो जरा सी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी सी बातें और याद आ गई मुझे यूट्यूब चैनल के बारे में लेके, मैंने चैनल तो बना लिया था पर बहुत हिम्मत के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन देख पाई थी और शुरू शुरू में वीडियो एडिट कर पाती थी, बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए ये सब कर पाना। कभी कभी तो मैं हार भी मान जाती थी कि मैं नहीं कर सकती ये सब और ना ही मुझसे होगा, मैं चैनल बंद कर दूंगी। पर फिर मुझे मेरे परिवार वाले हिम्मत देते थे, अक्की के पापा समझाते थे कि करने से ही होता है सब काम और अगर तुम धीरे धीरे करोगी तो आदत हो ही जाएगी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती शायद, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और कम बोलने वाली हूँ पहले से ही, कई बार मैंने आप सबको बताया भी है। पर हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए भी, कैमरे के सामने आने में भी। और अभी मेरी मम्मी का भी वही हाल है, आप सब कहते हैं कि आंटी जी बात नहीं करती, मम्मी भी थोड़ी हिचकिचाती है कैमरे के सामने आने में। वैसे मैं उनके काम करते हुए या ऐसे ही वीडियो शूट कर लेती हूँ, मैंने कहीं ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। और अभी भी आता है मेरे दिमाग में ये सवाल कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, पर फिर आप सब जब इतना वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो फिर हिम्मत सी जाग जाती है और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो बस यही सब है, और काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने में और अभी भी पता नहीं कहाँ तक जा पाऊँगी ये मुझे नहीं पता, पर अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो एक दिन मैं भी जो करना चाहती हूँ वो कर पाऊँगी।